नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आप सभी को बता देता हूं कि मैंने आप सभी के लिए एक गिवे रखा है। इस वीडियो में जानने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी है, आपको पता चल जाएगा जब पूरी वीडियो देख लेंगे कैसे पार्टिसिपेट करना है और क्या गिवे रखा है। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आजकल जो है हर जगह लॉकडाउन चल रहा है और इस लॉकडाउन में लगभग जितने भी कंपनियों के कर्मचारी हैं वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। और इस स्थिति में कई बार क्या होता है कि जाने अनजाने में हमारा जो इंपॉर्टेंट डेटा रहता है, चाहे वो ऑडियो फाइल हो, चाहे वो वीडियो फाइल हो, चाहे किसी भी तरीके का कोई भी डॉक्यूमेंट हो, चाहे हमारी फोटो हो, चाहे हमारे जो कैमरा रहता है उसके एसडी कार्ड में हो, चाहे मेमोरी के एसडी कार्ड में हो, या फिर पेन ड्राइव में हो, या फिर हमारे कंप्यूटर पीसी में हो, कहीं पर भी हमारा जो डेटा रहता है जाने अनजाने में फॉर्मेट हो जाता है, डिलीट हो जाता है, करप्ट हो जाता है। फिर हम सोचते हैं कि भाई उसको कैसे रिकवर करें। तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं उसके माध्यम से आप आसानी से फॉर्मेटेड, करप्टेड और डिलीटेड हुए डेटा को आसानी से रिकवर कर सकते हो। तो आपका डेटा जो फॉर्मेट हुआ है, डिलीट हुआ है, करप्टेड हुआ है, उसको रिकवर करने के लिए आपकी हेल्प करेगा टेनोशेयर का ये 4D डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर। इसकी मदद से आप किसी भी तरीके का फॉर्मेट, करप्टेड और डिलीटेड हुए डेटा को, चाहे आपके मोबाइल के एसडी कार्ड में हो, कैमरे के एसडी कार्ड में हो, या फिर आपके लैपटॉप पीसी में हो, किसी भी तरीके के डेटा को जो है आसानी से रिकवर कर सकते हो। कैसे रिकवर कर सकते हो, चलिए मैं आपको जो है स्टेप बाय स्टेप पूरा कंप्लीट प्रोसेस दिखा देता हूं। तो दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दिया है, जैसे उस लिंक पर आप प्रेस करेंगे आपके सामने 4DDIC विंडो डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर का जो पेज है ओपन हो जाएगा और यहाँ पर देख सकते हो ऑल इन वन सॉल्यूशन टू परफॉर्म डेटा रिकवरी फॉर ऑल सिनेरियोज। और यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ से आप जो है फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप मैक यूज करते हो तो यहाँ पर मैक के लिए भी अवेलेबल है। इसके साथ साथ बात करें कि ये सॉफ्टवेयर आपको क्यों यूज करना चाहिए, इसके क्या क्या फायदे हैं, तो यहाँ पर देख सकते हो रिकवरी ऑल लॉस्ट डेटा अंडर डिफरेंट सिनेरियो। अगर आपका डेटा डिलीट हो जाता है तो आप रिकवर कर सकते हो, अगर फॉर्मेट हो जाता है तो आप रिकवर कर सकते हो, अगर आपके कंप्यूटर लैपटॉप का पार्टीशन जो है वो लॉस्ट हो जाता है तब भी आप रिकवर कर सकते हो, एक्सटर्नल डिवाइस स्टोरेज जैसे कि USB हार्ड ड्राइव हो गया, पेन ड्राइव हो गया, वहाँ से भी जो है आसानी से रिकवर कर सकते हो, अगर आपका कंप्यूटर क्रैश हो जाता है तब भी आप जो है डेटा रिकवर कर सकते हो, इसके साथ साथ रो फाइल भी जो है रिकवर कर सकते हो। इस सॉफ्टवेयर की बात करें तो किस तरह के जो डॉक्यूमेंट आप जो है रिकवर कर सकते हो, तो सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट रिकवर कर सकते हो। फोटो में यहाँ पर देख सकते हो फोटो के जितने भी फॉर्मेट है वो रिकवर कर सकते हो, वीडियो के जितने भी फॉर्मेट है सारे रिकवर कर सकते हो, ऑडियो के जितने भी फॉर्मेट है सभी को रिकवर कर सकते हो, ऑफिस डॉक्यूमेंट्स, ईमेल एंड आर्काइव, अदर जितने भी जो डॉक्यूमेंट रहते हैं सबको आसानी से रिकवर कर सकते हो। बात करें ये सॉफ्टवेयर ये कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है सपोर्ट करता है, तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर विंडोज 7, 8, 10 जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है सभी को सपोर्ट करता है। फाइल सिस्टम की बात करें तो NTFS, EXFAT एंड FAT16, FAT32। और यहाँ पर लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो कौन कौन सी लैंग्वेज को जो है सपोर्ट करता है। इसके साथ साथ यहाँ पर बात करें सपोर्टेड स्टोरेज डिवाइसेस की, तो यहाँ पर देख सकते हो कंप्यूटर, लैपटॉप, SD मेमोरी कार्ड, TF कार्ड, USB फ्लैश ड्राइव, मेमोरी स्टिक, इसके साथ साथ HDD, SSD, डिजिटल कैमरा, जितने भी जो डिवाइस होते हैं सभी को सपोर्ट करता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि इस सॉफ्टवेयर की मदद से कैसे जो है आप डेटा को रिकवर कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको जो है फ्री डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और इस पर क्लिक करके इसको जो है डाउनलोड कर लेना है। जब ये डाउनलोड हो जाए तो इसको ओपन कर लेना है, ओपन करने के बाद यहाँ पर रन पर प्रेस कर देना है, रन पर प्रेस करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको जो है इंस्टॉल कर लेना है और यहाँ पर छोटा सा बॉक्स है इस पर आपको टिक कर देना है, यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक करना है। इसके बाद इस सॉफ्टवेयर का जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही ये सॉफ्टवेयर सक्सेसफुली आपके PC में इंस्टॉल हो जाएगा, इसका जो आइकन है कुछ इस तरह से आ जाएगा, इस पर डबल क्लिक करके इस सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है, यानी कि लॉन्च कर लेना है। और कुछ सेकंड के बाद इसका जो होम पेज है, इंटरफेस है, कुछ इस तरह से आ जाएगा। सेलेक्ट ए लोकेशन टू स्टार्ट डेटा रिकवरी, यानी कि आपको जो डेटा है कहाँ से रिकवर करना है आपको लोकेशन सेलेक्ट करनी है। और यहाँ पर आपके PC में जितने भी पार्टीशन रहते हैं, जितनी भी ड्राइव रहती है वो यहाँ पर दिखा देगा। इसके साथ साथ कॉमन लोकेशन में यहाँ पर डेस्कटॉप, रिसाइकल बिन से रिकवर करना है या फिर डेस्कटॉप से रिकवर करना है या फिर किसी फोल्डर से रिकवर करना है, तो यहाँ पर जो है सेलेक्ट कर सकते हो फोल्डर। इसके साथ साथ एडवांस्ड रिपेयर में यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, अगर आपका कंप्यूटर क्रैश हो गया था वहाँ से रिकवर करना है तो रिकवर फ्रॉम क्रैश कंप्यूटर, तो यहाँ से क्रैश कंप्यूटर का भी डेटा रिकवर कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं जो है लोकेशन सेलेक्ट कर लेना हूँ, आपको भी लोकेशन सेलेक्ट कर लेनी है कि कहाँ से आपको जो है डेटा रिकवर करना है। अगर आप किसी मोबाइल से, SD कार्ड से या फिर मेमोरी कार्ड से रिकवर करेंगे तो जैसे अपने PC लैपटॉप में लगाएंगे तो यहाँ पर उसका जो है स्टोरेज दिखा देगा, वहाँ से आप रिकवर कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट फोल्डर का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लोकेशन दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लोकेशन मैंने दे दिया डेस्कटॉप में माई इंपोर्टेंट डेटा, और उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर स्कैनिंग स्टार्ट हो गई है, फास्ट स्कैन। और यहाँ पर आप जो है
क्लोज भी कर सकते हो, स्टॉप भी कर सकते हो। इसके साथ साथ फाइल व्यू का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पर आप जो है फाइल को व्यू भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर दिखा देगा कि कितना परसेंट हुआ है और कितना टाइम अभी जो है पेंडिंग है। तो यहाँ पर देख सकते हो स्कैनिंग कंप्लीट हो गई है। उसके बाद यहाँ पर डिलीटेड फाइल में आपको जो है डेटा दिखा देगा, तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर डेस्कटॉप पे, और यहाँ पे मैं आपको इसको इस तरह से करके दिखा देता हूँ। माई इंपोर्टेंट डेटा में 3 फाइल थी, इस पर टिक कर देता हूँ और यहाँ पर दिखा देगा जो भी फाइल आपकी रहती है और उसको रिकवर करना है। तो यहाँ पर सबको टिक कर दीजिए, उसके बाद यहाँ पर रिकवर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके कहाँ पर आपको सेव करनी है, तो आप जहाँ पर भी आपको सेव करनी है वो लोकेशन आप दे सकते हो। यहाँ पर सी ड्राइव में मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, न्यू फोल्डर। यहाँ पर रिकवर का ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर रिकवर, उसके बाद देख सकते हो रिकवर कंप्लीटेड, और यहाँ पर व्यू रिकवर्ड का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके आप देख सकते हो आपका जो डेटा रहता है वो यहाँ पर दिखा देगा जो भी रिकवर हुआ होगा। और दोस्तों इसके साथ साथ अगर आपको इस सॉफ्टवेयर को बाय करना है तो यहाँ पर देखिए बाय नाउ का ऑप्शन आपको मिलेगा, बाकी इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बाय नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करके इस सॉफ्टवेयर को बाय कर सकते हो। अगर आपको एक मंथ के लिए लेना है एक पीसी के लिए तो यहाँ पर प्राइस दिखा देगा, एक साल के लिए लेना है एक पीसी के लिए लेना है तो उसका प्राइस दिखा देगा, लाइफ टाइम के लिए लेना है तो यहाँ पर इसका प्राइस दिखा देगा। और यहाँ पर देख सकते हो ये जो है पेमेंट किस तरह से आप कर सकते हो। बाकी जो आपको स्क्रीन पर कूपन कोड दिख रहा है, अगर ये यूज करते हो तो इस सॉफ्टवेयर को अगर बाय करोगे तो आपको 30% जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। और इसके साथ साथ अगर आपके मन में कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपको जो उसका आंसर भी मिल जाएगा, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना बिल्कुल भी ना भूले। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है टेनोशेयर का ये जो 4DDIC डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर है इसकी मदद से आसानी से डिलीट करप्टेड फॉर्मेटेड हुई डेटा को रिकवर कर सकते हो। इस सॉफ्टवेयर का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जरूर इसको जो है ट्राई कीजिएगा। अब बात करते हैं गिवे की। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि मैंने आप सभी के लिए एक गिवे रखा है, तो गिवे ये है टेनोशेयर कंपनी की तरफ से आप में से किसी 3 लक्की विजेता को इस सॉफ्टवेयर का फ्री लाइसेंस की मिलेगी। और इसमें कैसे पार्टिसिपेट करना है, सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है कि ये जो सॉफ्टवेयर है आपको कैसा लगा, अपनी राय अपना फीडबैक जरूर शेयर करना। और जैसे ही इस वीडियो पर 2000 लाइक कंप्लीट हो जाएंगे मैं गिवे का जो है अनाउंसमेंट कर दूंगा, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जो विनर होंगे 3 जो लक्की विनर होंगे वो कमेंट बॉक्स से ही जो है मैं पिक करूंगा, ठीक है। और 2000 लाइक जो है जल्द से जल्द कंप्लीट करा दीजिएगा, क्योंकि मेरे को पूरा विश्वास है कि 2000 लाइक का जो टारगेट है ज़्यादा बड़ा नहीं है, जल्द से जल्द आप करा देंगे। और दोस्तों हो सके तो इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज पर, जिससे कि उनकी भी काफ़ी हेल्प हो सके। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, मैं प्रदीप शर्मा फिर मिलता हूँ इस तरह की हेल्पफुल नॉलेज वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।